गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने 9.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में अपने निर्देशांक ज्यामिति में चेक किया था, चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात करना सीखा और त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करना सीखा। आज अपने करने जा रहे हैं कि अपने को कोई बिंदु दिया गया होगा, उसकी किन्हीं दो बिंदुओं से दूरी या तो इक्वल दी गई होगी, या वो बिंदु एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। अपने को चेक करना होगा कि वो कहेगा कि इस बिंदु से दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है, तो अपने को कोई एक्स या वाई के निर्देशांक फाइंड करने होंगे। अपने क्वेश्चन कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं -2 और -5 व 2 व -3 से क्या है, समान दूरी पर है। तो अपने पास पहले दो बिंदु हैं बच्चों, पहले बिंदु को ए कहा, -2 -5। दूसरे बिंदु को बच्चों अपनों ने क्या कहा, 2 और -3। अब उसने अपने को कहा है कि एक्स अक्ष पर, अब आपको मालूम है बच्चों कि एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू है, यानी कि वाई के कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अपने मान के चलेंगे, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, इस बिंदु को अपनों ने कहा पी, क्या कहा, एक्स और जीरो है। एक्स अक्ष पर बच्चों वाई के कोऑर्डिनेट है 0 होते हैं, तो अपनों ने इस बिंदु को कहा पी एक्स और जीरो। आगे चेक करना, वो कह रहा है कि पी से ए और बी की दूरी है वो क्या है, समान है। यानी कि सबसे पहले बच्चों अपनों ने पी ए और पी बी, ये उसने इक्वल दिया हुआ है बच्चों, प्रश्नानुसार है पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले अपने पी ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे बच्चों। बीच की दूरी ज्ञात करने का अपना फॉर्मूला है बच्चों, x1 - x2 की होल स्क्वेयर, y1 - y2 की होल स्क्वायर। सबसे पहले पी ए फाइंड कर रहे हैं, फिर पी बी फाइंड करेंगे बच्चों अपने। तो x1, हां जी, x1 की वैल्यू क्या है, x है। x2 की वैल्यू क्या है, -2, -2, y1 की वैल्यू क्या है, अपने पास y1 की वैल्यू है बच्चों 0। y2 की वैल्यू क्या है, -5, -5। ये रहेगा बच्चों अपने पास x+2 की होल स्क्वेयर +5 की स्क्वेयर, a+b की होल स्क्वेयर यानी कि a की स्क्वेयर +b की स्क्वेयर +2ab, और 5 की स्क्वेयर करोगे बच्चों क्या होगा, 25। ये रहेगा बच्चों x² +4 + 4x +25, यानी कि ये रहेगा बच्चों x² + 4x + 29, यानी कि 25 में 4 को प्लस किया तो मैंने क्या बना, 29 बना। अब देखो बच्चों, पी भी फाइंड कर रहा हूं, अपने पी भी ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। पी भी ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा x1 - x2 की होल स्क्वेयर, y1 - y2 की होल स्क्वेयर। x1 क्या है, x, x2 कितना है, 2, y1 कितना है, 0, y2 -3 -3। ये रहेगा बच्चों अपने पास x-2 की होल स्क्वेयर +3 की स्क्वेयर। ये रहेगा बच्चों a-b की होल स्क्वेयर, a की स्क्वेयर +b की स्क्वेयर -2ab, और 3 का करोगे 9। ये रहेगा बच्चों x² + 4 - 4x + 9, यानी कि ये रहा बच्चों आपके पास x² - 4x + 13। ये बच्चों अपनों ने पी और पी बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली, यानी कि बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अब आपको मालूम है यहां भी रूट है, यहां भी रूट है। रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो बच्चों अपना रूट हट गया। ये रहेगा x² + 4x + 29,
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13। फिर चेक करना बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x की साइड चेंज करूंगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 13, 29 की साइड चेंज की, किसका हो गया, माइनस का। ये हो गया 4 और 4 कितना हो गया 8, माइनस किया बच्चों कितना आ गया, माइनस का 16। अब चेक करना बच्चों, x का मान ज्ञात कर रहे हैं, माइनस 16 बटे 8, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप हो गए, अतः वह बिंदु, बिंदु क्या था बच्चों अपने पास, P x 0 था, x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 और ये क्या है 0, तो वो बिंदु क्या होगा, माइनस 2 0 है। ये बच्चों इसको करने का प्रोसेस था। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये उसने क्या कहा है कि अपने को दो बिंदु दिए हैं, इनकी x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उनसे दूरियां क्या है, समान है। तो अपने पास पहला बिंदु अपनों ने कहा बच्चों A है, A के निर्देशांक है बच्चों माइनस 2 और माइनस 5। जो B है, B के निर्देशांक है बच्चों 2 और माइनस 3। x अक्ष है, x अक्ष पर अपने को मालूम है बच्चों y के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अपने पास रहेगा बिंदु P, x और 0। वो कह रहा है P की A और B से दूरी है वो क्या है, समान है। तो अपनों ने क्या कहा, PA इज इक्वल टू PB। अब PA ज्ञात करेंगे, बीच की दूरी का अपनों ने फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, x1 कितना है, x है, x2 कितना है, -2, माइनस माइनस प्लस। y1 क्या है बच्चों, 0 है। y2 क्या है बच्चों, -5, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। a प्लस बी की होल स्क्वायर है बच्चों, ये 5 की स्क्वायर, ये अपने a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, और अपने पास रहा 5 का वर्ग किया कितना आया, 25 आया। x स्क्वायर 2 का वर्ग किया 4, ये 4x प्लस 25, 25 और 4 बच्चों अपने पास हो गया 29। इधर चेक करना बच्चों, फिर वही फॉर्मूला, अब अपने पास x1 x है बच्चों, x2 कितना है, 2 है, y1 कितना है, 0, y2 कितना है, -3, माइनस माइनस प्लस का 3, ये रहेगा x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। ये रहा a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का वर्ग किया कितना आएगा, 9 आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9, यानी कि ये रहा x स्क्वायर माइनस 4x, ये रहा 13 अपने पास। दोनों तरफ बच्चों अपने पास मैटर है वो रूट में है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग किया तो मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइड चेंज की प्लस का, साइड चेंज की माइनस का, क्या रहा, माइनस का 16 रहा। एक्स की वैल्यू फाइंड की तो अपने पास कितनी आई, माइनस का 2 आई। तो अपने पास जो एक्स अक्ष पर बिंदु है वो बिंदु रहेगा बच्चों आपके पास माइनस 2 और 0। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अपने एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कह रहा है यदि बिंदुओं, बिंदु क्या दिए हैं, 3k और क्या दिया है, k5 से बिंदु 0-2 की दूरियां क्या है, बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। तो मैंने क्या कहा 13 नंबर क्वेश्चन में बच्चों, पहला बिंदु a कह दिया, वो है 3 और k, दूसरे बिंदु को बी कहा, ये है बच्चों के और 5। वो कह रहा है बिंदु एक अपने का पी 0 और 2 है, वो कह रहा है कि ए की और बी की बिंदु पी से दूरियां क्या है, समान है। तो फिर वही रूल बच्चों अपने पास, आप फिर कहोगे प्रश्न अनुसार क्या कंडीशन रहेगी, वो कह रहा है दूरियां बराबर है, यानी कि पी ए बराबर क्या है बच्चों, पी बी है। सेम कंडीशन बच्चों जो पिछले क्वेश्चन में अपने करके आए हैं, बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। x1 क्या है, 0, x2 कितना है, 3, y1 कितना है, 2 और y2 कितना है, k। सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ये रहेगा बच्चों मेरे पास -3 की स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर, मैं सूत्र अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। फिर चेक करना बच्चों,
तीन का वर्ग किया कितना आया? नौ। दो का किया चार, प्लस के स्क्वेयर माइनस चार के, ये बना बच्चों अपने पास के स्क्वेयर माइनस चार के प्लस 13। ये बच्चों अपने पास आ गई पी ए के बीच की दूरी। अब बच्चों अपने दूरी ज्ञात कर रहे हैं पी बी की। अपने पास फॉर्मूला है एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू की होल स्क्वेयर। एक्स वन क्या होगा बच्चों? जीरो। एक्स टू के, वाई वन कितना है? टू। वाई टू कितना है? पांच। ये रहेगा बच्चों अपने पास माइनस के की स्क्वेयर माइनस थ्री की स्क्वेयर। ये रहेगा बच्चों के स्क्वेयर प्लस नाइन, यानी कि के स्क्वेयर प्लस नाइन। अब चेक करना बच्चों, फिर वही रूल अपना, दोनों तरफ क्या है? रूट है। रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया तो रूट हट गया बच्चों, के स्क्वेयर माइनस फोर के प्लस 13 और के स्क्वेयर प्लस 9। दोनों तरफ के स्क्वेयर कैंसल, अपना रहा माइनस फोर के, 13 की साइड चेंज की किसका हो गया? माइनस का। तो कितना रहेगा बच्चों अपने पास? माइनस का 4। के की वैल्यू फाइंड करोगे बच्चों, माइनस फोर अपॉन माइनस फोर, यानी कि के की वैल्यू कितनी है? 1। तो के का मान बच्चों अपने पास कितना आ गया? 1 आ गया। हाँ बच्चों, आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं अपने, उसने क्या कहा है? यदि बिंदुओं, दो बिंदु दिए हैं बच्चों, पहला बिंदु दिया है 3 के और दूसरा बिंदु दिया है बच्चों आपको के और 5। वो कह रहा है इससे पी की दूरी क्या है? समान है। तो अपने क्या कहा? पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए के बीच की दूरी ज्ञात की, एक्स वन जीरो, एक्स टू थ्री, वाई वन टू, वाई टू के माइनस थ्री की स्क्वेयर, टू ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, यानी कि ए की स्क्वेयर प्लस बी की स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ये रहेगा, तीन का वर्ग किया नौ आया, दो का किया चार आया, के स्क्वेयर माइनस चार के। या फिर देखना एक्स वन जीरो, एक्स टू कितना है? के। वाई वन टू, वाई टू फाइव। ये रहेगा माइनस के की स्क्वेयर माइनस थ्री की स्क्वेयर, यानी कि के स्क्वेयर प्लस नाइन। दोनों तरफ मैंने वर्ग किया तो मेरे पास रहा के स्क्वेयर माइनस फोर के प्लस 13 के स्क्वेयर प्लस नाइन। अब अपनों ने क्या किया? कैंसिल कर दिया। ये रहा माइनस फोर के, 13 की साइड चेंज की माइनस का फोर के की वैल्यू फाइंड की बच्चों, अपने पास कितना आ गया? 1 आ गया। इस मेथड पर बच्चों आपनों ने 13 नंबर क्वेश्चन करना था। इस तरीके से बच्चों आपकी 9.1 एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो जाएगी।